बीस पढ़ना बिदअत है मतलब क्या, मैं पूछा था। 20 पढ़ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। हम हर चीज को बिदअत नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हर चीज जो साबित नहीं उसको हम बिदअती बोले। कोई आदमी पढ़ रहा है, किसी का इस्तिहाद अपना पढ़ रहा है, उसको हम बिदअत नहीं बोलते, लेकिन ये सुन्नत नहीं है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अच्छा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। और अगर कोई सुन्नत समझता है, एक आदमी अगर कोई नफिल पढ़ता ना, नफिल बोलता है कि चलो भाई चलो 8 ही साबित है, 11 ही साबित है, लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ और पढ़ते हैं, उसको भी हम दुरुस्त नहीं समझते। लेकिन अगर कोई अपना इस्तिहाद करता है, ठीक है उसका अपना इस्तिहाद है, लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि नहीं 20 रकत ये सुन्नत है और 20 रकत ही पढ़ना चाहिए, तो वो बिदअत का काम कर रहा है। समझ रहे बात को? अगर कोई आदमी 20 पे जम जाता है तो वो बिदअती है। अगर इस वजह से जमता है कि अल्लाह के नबी की तरह मंसूब करता है, कहता है कि अल्लाह के नबी से 20 ही साबित है, उससे कम ज्यादा नहीं, तो वो समझो एक नया तरीका ईजाद कर रहा। बाकी जो उलमा से मिलता है वो क्या मिलता है, वो दो कौल मिलता है। उलमा का जो एक कौल मिलता है कि ये तादाद मुअय्यन नहीं है, मुतय्यन नहीं, इसलिए 11 से ज्यादा जितना चाहे पढ़ सकते हैं। तो अगर कोई ये राय रखता ना कि 11 से ज्यादा जितना चाहे पढ़ सकते हैं, हम उसको बिदअत नहीं बोलते। हम ही नहीं कहते 11 से ज्यादा पढ़ना बिदअत है, लेकिन हम ये कहते हैं कि बेहतर ये है कि जो रकात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार करते थे उसी पे इक्तफा किया जाए। लेकिन अगर कोई शख्स ये फितना फैलाता है और कहता है कि 20 रकत यही सुन्नत है, यही असल है, इससे कम ज्यादा नहीं हो सकता, तो बिदअती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकअल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।